धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे बीच में चंद्रशेखर जी भाई साहब हैं और साथ में राष्ट्र से आई हुई राष्ट्र की कार्य समिति सदस्य टीना वेंटिक जी हैं और जो दो दिन के प्रवास पे आज पूरा शायद सुबह 8 बजे से नगर में ही है सभी बहनों के बीच में। मैं चाहूंगी कि दीदी आप दो शब्द इनके लिए वक्त पर जब आप आप सबको मेरा राधे राधे। आज के हमारे चंद्रशेखर भाई सब जितने भी मेरे भाई हैं पदाधिकारी भाई सारी मेरी बहनें आप सबको राधे राधे। मैं हरियाणा से आती हूँ और ज़्यादा समय नहीं लेती किसी भी बहन का। मैं आज एक बहुत अच्छी सोच के साथ यहाँ आई हूँ कि जो हमारी राजस्थान की महिलाएं हैं वो किस तरीके से घर से निकल के कार्य करती हैं, घर को भी संभालती हैं, बाहर निकलती हैं, काम करती हैं और फिर वापस जाती हैं और तकलीफें झेलती हैं। ये मैंने देखा सुना, अब तो अपनी आंखों से भी देखा है ना। तो ये मोदी जी ने हम सबको भेजा है कि हम जाके सबकी तकलीफें जान के आए, सबसे मिल के आए, पूछ के आए कि हम उनको जाके बता सकें और फिर बदलाव देखें कि क्या आता है कि नहीं आता। ये जो हमारी बहनें हम सिपाही आपके पास छोड़ के जाते हैं, जो मेरे भाई हैं मेरी बहनें हैं ये सब खड़े हैं सिपाहियों की तरह, क्या ये अपनी बहनों की भाइयों की मदद करते हैं? इस उद्देश्य से हम केंद्र से आते हैं। कुछ केंद्र से योजनाएं होती हैं जो आती हैं पर कितनी बार प्रदेश से नहीं दी जाती, राज्य से नहीं दी जाती पर केंद्र से सबको भेजी जाती है। तो ये जो सिपाही हमारे खड़े रहते हैं जो सब कहते हैं ना मोदी जी की आर्मी जो यहाँ खड़ी रहती है ये क्या आप लोगों की उसको देने में मदद करती है कि नहीं करती, ये सबका हम एक छोटा सा बात करने आते हैं मिलने आते हैं। पहले कभी महिलाओं को आगे नहीं लाया जाता, 2014 के बाद महिलाओं को आगे लाना शुरू करा। हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बुनातियां करी जाती थी, महिलाएं पैदा होने से पहले ही पेट में ही मार दी जाती थी। आज के समय 2014 के बाद एक वो ऐसा क्षेत्र बन गया जहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं और ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं जो कि घूंघट में रह के भी बहुत अच्छी राजनीति करती हैं और एक दूसरे को खींच के आगे लाती हैं। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या वही हुई है, सबसे ज्यादा बहु बेटियां वही कम हुई है। एक टाइम ये था कि हमारे पास अपने बेटों की शादी कराने के लिए बेटियां नहीं थी, हम दूसरे प्रदेश से जाते थे, अपनी तो बहू के पेट की बेटी मार दी पर दूसरे प्रदेश में गए और वहां से बहू लेके आए, फिर देखा उसके पेट में भी बेटी है उसे भी मार दिया, तो उससे क्या हुआ, अपना ही नुकसान करा। ये बात मोदी जी कब समझे, जब मोदी जी हमारे प्रभारी बने थे, जब मोदी जी आए हरियाणा रहे तब मोदी जी ने देखा कि महिलाओं को तो कितनी कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तब जाके 2014 में उनका पहला संकल्प यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जितने भी अल्ट्रासाउंड के सेंटर थे, पेट की जांच के सेंटर थे, सब में उन लोगों ने बंद करवा दी जांच कि नहीं बताएंगे कि बेटा है कि बेटी, क्योंकि सब बराबर है। 2014 के बाद सब टाइट कर दिया गया था उसके बाद। और आज का रिकॉर्ड, उस टाइम पे 800 पे ये होता था, 800 अगर बेटियां हुई है तो 1000 बेटे, 1200 बेटे, और आज का रिकॉर्ड यह है कि 1000 बेटों पे हमारी 1200 बेटियां हैं। तो ये हरियाणा का भाई साहब। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियां करके हमने काम खत्म कर दिया, हमने बेटियों को पढ़ाया है, बेटियों को स्पोर्ट्स में हम आगे लेके आए हैं। तो ये मोदी जी की सोच है कि नहीं हमें पढ़ाना है और अच्छे मुकाम दिलाना है बेटियों को। क्यों, जो हमने झेला पर हमारी बेटियां वो नहीं झेलेंगी। ये एक बाप एक भाई एक बेटा ही सोच सकता था, कभी किसी और ने नहीं सोचा महिलाओं के बारे में। गैस सिलेंडर दिए तो उन्होंने दिया, क्यों, क्योंकि उनकी बहनें परेशान थी। कैसे परेशान थी, वो चूल्हा फूंकती थी तो टीबी हो जाता था, शौचालय नहीं था तो महिलाओं को अपनी तो पीड़ा उठाई उनके बलात्कार भी ज्यादा हो रहे थे।
हमने ऐसे तो मुंह ढक लिया पर हम खुले में चले गए शौच करने, बीमारी तो हुई हमारा बलात्कार भी हो गया। तो मोदी जी को तकलीफें पता थी, हमेशा उन्होंने नारी को प्रथम माना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक नारी, हम कहते लेडीज फर्स्ट, नहीं, उनको उनकी पीड़ा पता थी, उनको उनका दुख पता था, इसीलिए उनको करा। ये अब हमारा टाइम है, ये हमें सोचना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ाएं, है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।